हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये रेसिपी देखने के बाद जो बची हुई रोटियां हैं उसको आप फेंकेंगे नहीं। हम जो जब रोटी बनाते हैं तो कभी कभी हमारी दो तीन रोटियां बच जाती हैं, जिसको या तो हम फेंक देते हैं या सोचते हैं कि इसका क्या करें, लेकिन ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी बची हुई रोटियाँ फेंकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं मैंने तीन रोटियां ली हैं और इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है और चाकू की सहायता से ऐसे हमने इसको कट कर लिया है। तीनों रोटियों को इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे हमने इसको कट कर लिया है। अब इनको हम एक प्लेट में रख देते हैं, किसी प्लेट में इसको इस तरीके से रख देंगे हम। आप देख सकते हैं हमने इसको इसमें प्लेट में रख दिया है और प्लेट में रखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब में हम इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मिक्स करके रख देंगे। अब हमने एक प्याज लिया है जिसका छिलका उतार के और धो के हमने रख लिया है। इस प्याज को इस तरीके से हम कट करेंगे, आप देख सकते हैं ऐसे हमने इसको कट कर लिया है इस तरीके से। और प्याज को कट करके और फिर हमने टमाटर को भी धो के पहले ही रख लिया था, टमाटर को भी हम इस ऐसे ही कट कर लेंगे जैसे हमने कट किया है। लंबा लंबा हम काटेंगे इसको इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने टमाटर को भी कट कर लिया है। ज़्यादा बारीक हमें नहीं काटना है, इसको इस तरीके से ही हम काटेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हमने इसको कट कर लिया है। अब हमने शिमला मिर्च को भी धो के रख लिया है, शिमला मिर्च को भी हम ऐसे लंबे शेप में काटेंगे, इसको ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने काटा है, इस तरीके से हमें काटना है इसको। और काट के इसको हम रख लेते हैं किसी प्लेट में, इसको हम रख लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने शिमला मिर्च को भी काट लिया और इनको हम किसी प्लेट में डाल देते हैं। अब जो रोटी को हमने कट करके रखा था उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लेके, वो मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से बता दे रही हूँ। और इस तरीके से हमने कर लिया है इसको और करके इसको साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई चढ़ा के और उसको उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है और इसमें अब हम डाल देंगे तेल। तेल भी हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब में जीरा, और जीरा जब चटक जाए तो हमने लहसुन मिर्च और अदरक को, जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक लहसुन मिर्च अदरक को हमने कूट लिया था, और उसमें से दो चम्मच के करीब में इसमें डाल देंगे। और फिर प्याज टमाटर और शिमला मिर्च को एक साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक दो मिनट के बाद। और फिर एक दो मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें आधा चम्मच के करीब में नमक डालेंगे। नमक मैंने पहले भी डाला था रोटी में, आधे चम्मच के करीब में हमने नमक का यूज़ किया था, इसलिए इसमें भी आधे चम्मच के करीब में ही हम डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद दो तीन मिनट तक पकाएंगे, फिर इसमें दो तीन चम्मच के करीब में टोमेटो केचप डालेंगे और रेड चिली सॉस दो चम्मच के करीब में हमने डाला है, और फिर सोया सॉस डाला है तीन चम्मच के करीब में, और फिर हमने ग्रीन चिली सॉस भी इसमें दो चम्मच डाला है, और सबको डाल दिया है हमने। अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसको हमने मिक्स कर दिया है। अपना फ्लेम हमने लो रखा है और इसको मिक्स करके दो तीन मिनट तक पका के फिर जो रोटियों को हमने काट लिया था चाकू की सहायता से उसको इसमें डाल देंगे, और डाल के दो तीन मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, इसको फ्राई करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। दो तीन मिनट के बाद लीजिए, तैयार है हमारी बची हुई रोटियों की ये रेसिपी। काफ़ी टेस्टी तैयार हुआ है बची हुई।